नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अर्जेंटीना के रूप में दुनिया को उसका नया फुटबॉल चैंपियन मिल गया है। कतर में हुए फीफा विश्व कप के फाइनल पर दुनिया भर की नजरें थीं। इस रोमांचक मुकाबले के हीरो रहे स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी, जिनकी बदौलत अर्जेंटीना ने 36 साल के खिताबी सूखे को खत्म कर दिया। इस मोस्ट अवेटेड मुकाबले में अर्जेंटीना की जीत के बाद गोल्डन बॉल के विजेता लियोनेल मेसी ने संन्यास को लेकर एक बार फिर अपना मन बदल लिया। टूर्नामेंट के दौरान मेसी की बातों से लोग यही मानकर चल रहे थे कि मेसी के लिए ये आखिरी फीफा विश्व कप होगा और इसके बाद वो अर्जेंटीना के लिए विश्व कप में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। लेकिन मेसी ने कहा कि वो अभी विश्व विजेता के रूप में कुछ और मैच खेलना चाहते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पहले मेसी ने कहा था कि कतर में ये टूर्नामेंट उनका आखिरी विश्व कप होगा और वो इस फाइनल को आखिरी मैच के रूप में खेलेंगे, लेकिन अब उनका मन बदल गया है। रविवार को फ्रांस पर 4-2 से पेनल्टी शूटआउट में जीत पाकर मेसी ने कहा कि मैं इस ट्रॉफी को अर्जेंटीना ले जाना चाहता हूँ और बाकी सभी के साथ इसका लुत्फ उठाना चाहता हूँ। मेसी ने आगे कहा कि मैं अभी विश्व विजेता के रूप में खेलना जारी रखना चाहता हूँ। मेसी का सपना अब पूरा हो चुका है। साउथ अमेरिका के सबसे दक्षिणी हिस्से में करीब 5 करोड़ की आबादी वाला देश अर्जेंटीना आज उनकी वजह से खुशी से झूम रहा है। मेसी यूं तो एक स्टार फुटबॉलर है, सभी उनके नाम से वाकिफ हैं। भारत में भी करोड़ों लोग उनके दीवाने हैं, लेकिन हर सफल इंसान की तरह उनकी इस कामयाबी के पीछे स्याह संघर्ष की एक प्रेरणादायक कहानी छिपी हुई है। अर्जेंटीना के इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे तो ये देश हमेशा ही राजनीतिक और आर्थिक मुश्किलों से जूझता रहा है। साल 1983 में अर्जेंटीना में सही तरह से लोकतंत्र आया था। उससे पहले करीब 6 बार ऐसा हुआ कि सरकार तो बनी लेकिन सेना ने तख्ता पलट कर दिया और सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया। 1983 में अर्जेंटीना में लोकतंत्र आया जो बाद में फिर बरकरार भी रहा। 1983 के बाद जब अर्जेंटीना अपने पुराने जख्मों को भुलाकर आगे बढ़ रहा था, इसी के कुछ वक्त बाद 24 जून 1987 को यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। रोजारियो के मिडिल क्लास परिवार में जन्मे लियोनेल एंड्रेस मेसी, यानी लियोनेल मेसी, जिन्हें दुनिया मौजूदा वक्त का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर मानती है। लियोनेल मेसी के पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे जबकि माँ सफाई का काम किया करती थी। हालांकि फुटबॉल का माहौल घर में जरूर था क्योंकि पिता भी एक क्लब को कोचिंग देते थे। ऐसे में लियोनेल मेसी खुद 5 साल की उम्र में ही एक क्लब के साथ जुड़ गए जहां उन्होंने इस खेल के बेसिक्स को सीखा। 8 साल की उम्र में मेसी ने अपना क्लब चेंज कर लिया और न्यू वेल ओल्ड बॉयज क्लब से जुड़ गए। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद एक ऐसी घटना घटी जिससे हर कोई हैरान रह गया। केवल 11 साल की उम्र में लियोनेल मेसी को एक बीमारी का पता चला जिसका नाम था ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। इस बीमारी का असर अगर लियोनेल मेसी पर हुआ होता तो शायद दुनिया एक शानदार फुटबॉलर से कभी मिल ही नहीं पाती। इस बीमारी में किसी भी शख्स की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। 11 साल की उम्र में अगर मेसी इसकी चपेट में पूरी तरीके से आ जाते तो फिर वो बौने ही रह जाते, उनकी हाइट कम रह जाती। तब परिवार के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो इस बीमारी के इलाज का खर्चा उठा सके। इस बीच लियोनेल मेसी की बतौर फुटबॉलर ग्रोथ जारी थी। रिवर प्लेट ने मेसी को अपने साथ रखने की बात कही लेकिन वो मेसी की दवाइयों का खर्च नहीं उठा सकता था। इस बीच मेसी की किस्मत बदली। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना उस वक्त छोटे बच्चों पर नजर रख रहा था जो फुटबॉल में कमाल कर रहे थे। टैलेंट हंट के तहत छोटे शहरों, स्कूलों, कॉलेजेस और अलग अलग क्लब्स में ऐसा किया जाता है। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के स्पोर्टिंग डायरेक्टर कार्ल्स रेजेक को लियोनेल मेसी के बारे में पता चला। क्लब ने उन्हें साइन भी कर लिया, साथ ही बीमारी की दवाइयों और उनके इलाज का पूरा खर्चा देने की बात भी कही। बस शर्त इतनी थी कि मेसी को अर्जेंटीना छोड़कर बार्सिलोना शिफ्ट होना था। परिवार इस बात को लेकर राजी हो गया और इस तरह लियोनेल मेसी के प्रोफेशनल फुटबॉल करियर की शुरुआत हुई। 2001 से लेकर 2002 तक का 1 साल का वक्त लियोनेल मेसी को यूरोप में सेटल होने, क्लब ट्रांसफर की औपचारिकताओं पूरी करने में ही निकल गया। लेकिन वो बार्सिलोना बी टीम में चुने गए।
इस दौरान उन्होंने लगभग हर मैच में एक ना एक गोल तो किया है। ऐसे में सीजन में उन्होंने 30 मैच में कुल 35 गोल दाग दिए। 14 साल की उम्र में लियोनेल मेसी इस टीम का हिस्सा रहे और आगे बढ़ते रहे। मेसी छोटी लीग में नाम कमा रहे थे और बेहतर होते जा रहे थे। करीब 17 साल की उम्र में मेसी ने 2004-05 में बार्सिलोना क्लब के लिए अपना डेब्यू कर दिया। वो तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने जिन्होंने बार्सिलोना के लिए फुटबॉल खेला। फिर 1 मई 2005 को लियोनेल मेसी ने सीनियर टीम के लिए अपना पहला गोल दागा। 24 जून को लियोनेल मेसी ने बतौर सीनियर प्लेयर बार्सिलोना के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। अर्जेंटीना ने जब आखिरी बार 1986 में विश्व कप जीता था तब मैराडोना देश के लिए खुदा बन गए थे। उनके आसपास पहुंचने वाले सिर्फ मेसी ही थे, लेकिन विश्व कप नहीं जीत पाने से उनकी महानता पर उंगलियां गाहे बगाहे उठती रहती थी। उंगली तब भी उठी जब 2014 में फाइनल में जर्मनी ने अर्जेंटीना को एक गोल से हरा दिया था। सवाल तब भी उठे जब इस विश्व कप के पहले ही मैच में सऊदी अरब जैसी दोयम दर्जे की टीम ने मेसी की टीम पर अप्रत्याशित जीत हासिल कर ली। उस हार ने यूं मानो जैसे अर्जेंटीना और मेसी के लिए किसी संजीवनी का काम किया। मैच दर मैच दोनों के प्रदर्शन में निखार आता गया और पिछली उपविजेता क्रोएशिया को एक तरफा मुकाबले में पीटकर फुटबॉल के सबसे बड़े समर के फाइनल में अर्जेंटीना पहुंच गई। इस जीत के सूत्रधार भी लियोनेल मेसी ही रहे जिन्होंने 34वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल दागा और फिर जूलियन अल्वारेज के दोनों गोल में सूत्रधार की भूमिका निभाई। आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे अपने देशवासियों के लिए मसीहा बने मेसी और पूरे अर्जेंटीना को जीत के जश्न में उन्होंने सराबोर कर दिया। तो कैसी लगी आपको अर्जेंटीना के हीरो लियोनेल मेसी के संघर्ष की ये पूरी दास्तान, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।